इस लेक्चर में आज कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो कोन। दिस इज़ अ होलो कोन, मास एम एंड रेडियस इज इक्वल टू आर, और ये एक्सिस है जिसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो एक्सिस एक्सीमेट्रिकल एक्सिस है इसके लिए, और सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्या एलिमेंट हमें लेना होगा। तो इसमें जो भी मास है वो सरफेस पर है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम एक एक करके रिंग सर्कमफेरेंशियल रिंग लेते जाएं और उसको एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो ये सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमें एलिमेंट इसमें चूज़ करना है वो एलिमेंट एक सर्कमफेरेंशियल रिंग के फॉर्म में रहेगा। तो उनमें से कोई एक सर्कमफेरेंशियल रिंग सपोज ये है, इस रिंग को मैथमेटिकली डील करने के लिए कुछ हमें इसके लिए पैरामीटर्स चूज़ करने होंगे। तो सपोज़ ये जो रिंग ली गई है, इसकी डिस्टेंस अलोंग द सरफेस फ्रॉम दिस वर्टेक्स इज इक्वल टू वाई, और उसके बाद में इसकी जो विड्थ है अलोंग द सरफेस इज डी वाई। तो वाई डिस्टेंस पे डी वाई विड्थ की ये रिंग, और सपोज इसकी जो रेडियस है वो रेडियस इज इक्वल टू आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस होलो कोन दिस इज इक्वल टू, तो इस तरीके की रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम ऐड करते जाएँ तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा टोटल। तो डी आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एलिमेंटल रिंग और उसका इंटीग्रेशन। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रिंग के लिए ये जो एक्सिस है वो उसके सेंटर से पास कर रही है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा, अगर रिंग का मास है डीएम और उसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो डीएम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें डीएम का एक्सप्रेशन, तो इसके लिए टोटल मास डिवाइडेड बाय वो एरिया जिसमें ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज़ इसके लिए मैं अज्यूम करता हूँ कि इसकी जो स्लांट लेंथ है, दिस स्लांट लेंथ इज इक्वल टू एल, सो दिस विल बिकम सरफेस एरिया पाई आर एल। तो मास डिवाइड बाय टोटल एरिया जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग का एरिया, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो टू पाई आर, दिस इज सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस विड्थ इज डी वाई, तो पाई इज कैंसल्ड। इस डी एम की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा दिस टू एम डिवाइडेड बाय आर एल, दिस आर एंड दिस आर विल बिकम आर क्यूब डी वाई। अब इसमें ये टू एम बाई आर एल ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो टर्म है आर और वाई, जैसे जैसे एलिमेंट्स चेंज होते जाएंगे, तो एलिमेंट्स जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग रेडियस चेंज होती जाएगी, उनकी यहाँ से जो डिस्टेंस अज्यूम की गई है वो डिस्टेंस चेंज होती जाएगी। तो आर और वाई दोनों यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, अगर दो वेरिएबल्स हैं तो इनमें से एक को हटाना होगा और दूसरे के टर्म्स में हमें सॉल्व करना होगा। तो इन वेरिएबल्स को हटाने के लिए सिमिलर ट्राइंगल्स का वी कैन यूज़। तो सिमिलर ट्राइंगल, दिस स्मॉलर ट्राइंगल एंड दिस बिगर ट्राइंगल इज सिमिलर ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल के अंदर आर डिवाइड बाई आर, तो सिमिलरिटी का यूज़ कर रहे हैं, आर बाई आर दिस इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एल। मैं आर को वाई के टर्म्स में रिप्लेस कर रहा हूँ, तो आर इज इक्वल टू आर बाई एल इंटू वाई, इसको इसमें पुट कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, टू एम बाई आर एल ये कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब, तो दिस विल बी आर क्यूब बाई एल क्यूब, और ये आर क्यूब हो जाएगा वाई क्यूब। वाई के लिमिट यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक, यानी कि जीरो से लेकर के एल तक, ये वाई के लिमिट हो जाएगी। तो वाई के लिमिट जीरो से एल, इसमें ये आर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये एल की पावर फोर हो जाएगा, तो इट विल बी टू एम डिवाइडेड बाय एल की पावर फोर इंटू आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यूब विल बी वाई फोर बाई फोर, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन एल फोर बाई फोर, एल फोर इज कैंसल्ड, एंड फाइनल आंसर फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर बाई टू। इस लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड कोन कैलकुलेट करना है। तो ये एक सॉलिड कोन है जिसका मास एम, रेडियस इज इक्वल टू आर। सबसे पहले इसमें एलिमेंट चूज़ करना होगा, और इसका मास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि एक के बाद एक
इसके एक्सेस क्या लो, इस तरीके से एक के बाद एक डिस्क रखते जाएंगे और उससे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें से कोई एक डिस्क हम इस तरीके से दिखा सकते हैं इसमें। तो दिस इज़ वन ऑफ द डिस्क। इस डिस्क के लिए मैथमेटिकल पैरामीटर कुछ इस तरीके से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सपोज़ इस वर्टेक्स से ये डिस्क वाई डिस्टेंस पर है और इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द डिस्क इज़ डी वाई, एंड सपोज़ रेडियस इसके लिए हो जाएगा स्मॉल आर। तो ये हमने इसके लिए मैथमेटिकल पैरामीटर चूज़ कर लिए। अब इसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस सॉलिड कॉन, दिस इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस काइंड ऑफ डिस्क। और डिस्क के लिए जो एक्सिस है वो इसके सेंटर से पास करते हुए है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर इज डी एम आर स्क्वायर बाई टू। तो इनकी जगह पे सुटेबल एक्सप्रेशन हमें पुट करने होंगे। तो डी एम इज़ टोटल मास डिवाइडेड बाय वो वॉल्यूम जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो टोटल हाइट है उसको मैं एच के इक्वल अज्यूम कर रहा हूँ। एच इज़ द टोटल हाइट फॉर दिस कोन। तो एम डिवाइड बाय दिस वॉल्यूम, और फिर ये जो एलिमेंट है इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी एम। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ डिस्क और उसकी थिकनेस डी वाई। दिस पाई इज़ कैंसल्ड एंड दिस इज 3m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर डी वाई। इस एक्सप्रेशन को इसमें पुट करते हैं। तो जो भी ये सारी क्वांटिटी हैं, ये सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं, यहाँ पे टू कांस्टेंट हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा 3m डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर एच। अंदर जो क्वांटिटीज बचेंगी वो हैं आर फोर डी वाई। आर वेरिएबल है और उसके साथ साथ वाई भी वेरिएबल है, तो हमें किसी एक वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेशन को आगे लेके चलना होगा। तो उसके लिए सिमिलरिटी का यूज़ करेंगे। तो ये ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है। आर बाई आर इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एच। तो सिमिलरिटी से आर बाई आर दिस इज इक्वल टू वाई बाई एच। मैं स्मॉल आर को यहाँ से हटा रहा हूँ, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू वाई कैपिटल आर बाई एच। इसको यहाँ इसमें पुट करने जा रहे हैं तो फिर फर्दर ये बन जाएगा 3m डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर एच। आर के पावर 4, तो अंदर वाई के पावर 4 और बाहर आर के पावर 4 और एच के पावर 4। आर के पावर 4 की जगह ये हो जाएगा वाई के पावर 4 डी वाई। वाई की लिमिट हमें लगानी होगी 0 से लेकर के एच। यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, इसके बाद 3m आर स्क्वायर बाई 2 एच रेस टू पावर 5। इंटीग्रेशन y की पावर 5/5 और आफ्टर पुटिंग द लिमिट इट विल बी एच 5/5। दिस इज कैंसल्ड एंड फाइनल आंसर इज 3/10 m आर स्क्वायर।